अभी फिलहाल हम लोग हांसी के अंदर ही, हांसी में की राजनीतिक गर्मी है, पूरा तापमान चढ़ा हुआ है। उसी बीच कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, यहाँ पे वोटों की अपील कर रही हैं, मार्केट का जैसे दौर कर रही हैं, अलग अलग दुकानों में जाके वोट के लिए अपील कर रही हैं। लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया आई है इनके पास और किस तरह की समस्या आई है और इनको डोर टू डोर करके और लोगों से मिलकर किस तरह का अनुभव हुआ, हम बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। तो डोर टू डोर में आप चल रही हैं, क्या लग रहा है माहौल और किन के पक्ष में आप वोट मांग रही हैं? मैं कह रहा हूँ मीनू सेठी जी के। हाँ जी, हम मीनू सेठी के साथ है, बीजेपी के साथ है। और जब से ये बीजेपी और जेजेपी का अलग से वो हुआ है, टूटे हैं, अलग हुए हैं, तब से लोगों का रुझान ज्यादा बीजेपी। टूट गए क्या पक्का? हाँ जी, टूटने वाली बात है, और क्या रह गया इसमें। वो तो लोगों को क्लियर हो चुका है, पूरा समर्थन उन्होंने इलाहाबादी को दे दिया है, तो अलग हो ही गया, ऑब्वियस है सर। तो इसका फायदा क्या बीजेपी को हुआ, नुकसान हुआ बीजेपी? नहीं नहीं, उनको फायदा ही हुआ है। इस तरह से लोगों का उठाव इसी साइड आ रहा है, बीजेपी की तरफ। अच्छा। अब हमारी जीत पक्की पक्की है। पहले नहीं थी? पहले भी थी, अब और पक्की है। और पक्की है। तो जैसे महिलाओं से मिल रहे हैं, दुकानदारों से भी आप वोट मांग रहे थे, मैं देख रहा था, तो लोग क्या कहते हैं कि अगर उनकी, एक तो होता है ना कि हाँ ठीक है जी मैडम देंगे, एक होता है दिल से बिल्कुल जी पक्का? नहीं जी, दिल से वो कहते हैं, कई तो कहते हैं हम तो बीजेपी के दीवाने हैं जी, कमल के दीवाने हैं, हमने तो उन्हीं को ही देना है। अच्छा। हाँ जी। फिर मीनू सेठी के भी होंगे, वो भी भक्ति में पूरे मांगने। देखो सर, उनको कौन नहीं जानता इस हाँसी में, जो उनको जानता है वो उनको मानता है कि वो किस तरह के लोग हैं, वो लेने वाले नहीं है, वो देने वाले हैं, तो 100% लोग उनकी तरफ ही हैं और हमारी जीत पक्की है। कमल जीतेगा ही जीतेगा, खिलेगा ही खिलेगा। मैडम आप बताइए, आप भी जा रही हैं वोट की अपील कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो बहुत अच्छा जो लग रहा है वो वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बीजेपी पार्टी आखिर जीतेगी। अच्छा। हाँ जी। तो किस तरह की वादे कर रहे हैं आप लोग? मीनू जी ने कहा होगा ना जाके ये कहना कि मैं आऊँ जीतूंगी तो ये करूंगी, तो किस तरह के उनके आप लेके जा रहे हैं कि हाँ इस मीनू जी जीत जाएंगे तो इलाके के विकास क्या होगा, किस तरह से बातें कर रहे हैं आप? मेरे को ये पता है यहाँ पर हांसी में बिल्कुल सफाई नहीं है। मैंने डोर टू डोर गई हूँ, मैंने देखा कि इतनी गंदगी है। मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं इलेक्शन में, हमें ये वादा किया है कि ये गंदगी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। बस ये प्रॉमिस किया हमने सबको और ये सब देखेंगे। गंदगी कौन उठाएगा? गंदगी तो हम उठवाएंगे। अच्छा। खुद उठवाएंगे, मेरे हस्बैंड उठवाएंगे और ये वादा किया हमने और ये आप 5 साल में देखना आप इम्प्रूवमेंट थोड़े ही दिन में, बस एक बार उनको बनने दो। तो आपके हस्बैंड कौन से वार्ड से चुनाव? 7 वार्ड से खड़े। 7 वार्ड से? हाँ जी। बीजेपी की टिकट से? नहीं नहीं, बीजेपी से, बीजेपी से ही जीतेंगे, मीनू सेठी जीतेगी, विनोद बिहाना है ना जिनका हाथ है हमारे सिर पे, वो हमें जितवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साथ लग रही है नहीं लग रही? जनता बिहाना जी, बिहाना जी साथ हूँ। विनोद बिहाना के साथ है पूरी जनता। अच्छा। पूरा हांसी उनके साथ है। हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि हम आपको क्या बताएं। विनोद बिहाना, मीनू और इधर से मेरे शंटी बुजेजा साहब जी, सब जीतेंगे। तो जैसे कि माहौल हम बात करें, कंपटीशन लगता है किसी के साथ या क्या है, किस तरह के? एक तरफा चल रहा है इस टाइम सर, एक तरफा मैच। अच्छा। सिर्फ एक तरफा। आप तो इतने उससे कर रहे हो, एक तरफा बिल्कुल सर, मैं गई हूँ डोर टू डोर, मैंने देखा है। अच्छा। इस टाइम सिर्फ एक ही सब किया है। मैं बताऊँ, मैंने किसी को ये नहीं कहा, सब ये कह रहे मोदी, हमने सिर्फ मोदी को ही देना है और हमसे ये भी नहीं पूछा कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। अच्छा। हमने कहा मीनू सेठी खड़ी है, शंटी बुजेजा खड़े है, कहते हमें ये पता है कि हमने मोदी को देना है। अच्छा। अभी इस चुनाव में भी मोदी? मैं, हमें एक महीना हो गया भागते भागते, एक हफ्ते से तो हमने एक एक के घर गए हैं, हर इंसान की एक ही वर्डिंग है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा। तो पूरा हौसला है आप में? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरफा है। अपने कैसे दिखाई दे रहे हैं? सपने बहुत बुलंद दिखाई दे रहे हैं जी। मिलने वाली है? बिल्कुल पक्की, 100% पक्की है जी। चलो मैडम आप बताइए, क्या लग रहा है कि जैसे कि आप भी जा रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो क्या कहते हैं महिलाएं? अब बहुत अच्छा लग रहा है, उस दिन आपने लिया था उससे भी अब 100% शो है कि मीनू सेठी जीतेगी, चेयरमैन की सीट पक्की है उनकी, पक्की जीतेंगी। मतलब जो आपके पसीने बहा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, उसका नतीजा है। हाँ, भगवान जरूर हमारे साथ चल रहा है, हाँ वो देगा ही देगा, हम सच्चे दिल से और सच्चे मन से 100% मीनू सेठी के साथ है और वो चेयरमैन की सीट पे बैठेगी। बैठे आप जैसे महिलाएं कितने लगे हुए वोट मांगने के लिए, कितनी महिला? चारों तरफ हांसी में हमारे ग्रुप चल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हाँ, पूरी मेहनत कर रहे हैं? पूरी मेहनत, 100%। मैडम आप बताइए क्या लग रहा है, इधर थोड़ा सा आएंगे? अच्छा, आप बताओ जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ जी, पहले तो मैं मीडिया भाइयों को धन्यवाद करती हूँ, ठीक है ना, उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ऊपर सेंटर में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और यहाँ भी आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ जी, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। लोग भरोसा कर रहे हैं आप लोगों की बातों पर? क्यों नहीं करेंगे भरोसा, 101% भरोसा है लोगों को। विकास करने का या क्या? विकास करने का, बिल्कुल विकास करने का। अच्छा। हाँ जी, विकास। तो महिलाओं की तकलीफ की अगर बात करें तो हांसी में किस तरह की तकलीफ है महिलाओं की, बेसिक चीज़ों की अगर बात करें? तकलीफ तो यही है, सफाई गली की, मेन पानी,
बस यही प्रॉब्लम है। सबसे मोटी नहीं लगती, पानी की ज़्यादा समस्या। पानी मैं बोल रही हूँ, पानी और सफाई की, गलियों की सफाई की, वो होगी होगी। मीनू जी जीत के आएंगी तो पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा, सब होगा। बयाना साहब बैठे हैं ऊपर, खट्टर सरकार है, मोदी सरकार है, पानी का तो आपको पकड़ लेंगे। पकड़ेंगे तो मैं भी पकड़ लूंगी विनोद बयाना जी को। और क्या क्या कहते हैं, हम खुद क्या कहते हैं, अगर वो कोई नहीं सुधार हुआ तो आप हमें पकड़ लेना। हाँ जी, पूरी गारंटी देके आ रहे हो? पूरी गारंटी, पूरी गारंटी। अच्छा मैडम, आप बताओ कि जैसे आप ये ले रहे हो, कार्ड ले रहे हो, लोगों को क्या कहते हो कि इसमें कैसे वोट डाले? कमल के फूल पे। कमल के फूल पे। और क्या करेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद सबका विकास करवाएंगे। सबका करेंगे या इलाके का विकास करेंगे? हाँ जी, सबका करेंगे विकास तो फिर। हाँ जी, शहर का विकास करवाएंगे। आप बताओ जी, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक। आप भी घूम रहे हो? हाँ जी, घूम रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, पसीने निकाल, हाँ जी बिल्कुल निकाल रही हैं। अच्छा। हाँ जी, विनोद भयाने के साथ हैं, मीनू सेठी के साथ हैं, शंटी बुजेजा के साथ हैं। अच्छा। और चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ जी, और इनके ऊपर और भी भगवान को, इनको लगभग ना 16 तारीख है, 17-18 दो ही दिन बचा है बीच में, तो आपको लगता है कि वोट जो एक तरह से आपकी जीत कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे पक्का, कितने भरोसा करते हैं आप? बहुत, बिल्कुल भरोसा, 100% कर रही हूँ मैं। 100% बिल्कुल। हाँ जी, बयाने का सिर्फ हमारे हाथ है, मीनू सेठी हमारे साथ है, इतने बड़े बड़े लोग मिल जाएं तो बताओ हमारी कैसे हार हो सकती है, बिल्कुल हो नहीं सकती, बिल्कुल। आप बताओ मैडम, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, बताइए कैसा आपको लगता है कि अभी तक फीडबैक जो लोगों के दे रहे हैं कि दुकानदार महिलाएं जहाँ भी बात होती है तो क्या कहते हैं? नहीं, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ कमल खिलाना है। अच्छा। हमने बीजेपी सरकार लानी है, हांसी का विकास करवाना है। अच्छा। जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करवाना है। आज हम जब भी बीजेपी सरकार को आवाज़ लगाते हैं विनोद भयाना भाई साहब को, वो उसी वक्त लोगों की समस्या सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन है या नहीं? सर थोड़ा बहुत तो है, लेकिन हमारी सरकार ऊपर जाएगी। अच्छा, आपकी सरकार ऊपर जाएगी? हाँ जी बिल्कुल जाएगी। हाँ जी, कॉम्पिटिशन हो तो मज़ा ही क्या है, अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाए तो लेने का मज़ा ही क्या है। स्ट्रगल करके जो चीज़ हासिल होती है मज़ा तो उसका है, पसीने बहाने में मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, खाना बनाते हैं तो पसीने बहाने के बाद जब खाते हैं तो कितना मज़ा आता है, सेम सिचुएशन है। पूरी की तरह से आप लोगों की, हाँ वाकई में मीनू सेठी जी? सर हम 100% श्योर है, डैम श्योर। चलो, महिलाओं से हमने बातचीत की, सब कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, कोई नहीं, बोल दिया सबने। नहीं, आप बताओ। मीनू सेठी के साथ है। अच्छा, मीनू जी के साथ है? हाँ जी। तो सेठी जी के साथ तो है, लेकिन जिताने के लिए किस तरह प्रयास है आपके? हम उन घूमते हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। अच्छा। और उनको सुबह कितने बजे उठ जाते हो? हम 6 बजे उठ के, और साढ़े छः बजे चल पड़ते हैं। और शाम को कितने बजे तक लगे रहते दिन में? हम आ जाते हैं 12 बजे और फिर शाम को फिर 5 बजे चलना। अच्छा, दो टाइम वर्किंग हो रही है। हाँ, मतलब दोनों फायदा हो रहा है, पसीने बाहर है, वेट भी कम हो रहा है और इलेक्शन की सपोर्ट भी कर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ी बात है, वेट कम हो रहा है। जिंदाबाद। हाँ जी, बयाना साहब हमारे साथ हैं, वो साथ ही रहेंगे, जब भी हम जाए ना, जिस रात को जाए, दिन को जाए ना, हमारा काम उसी टाइम हल हो जाता है। अच्छा। और हम उन्हीं के साथ हैं, शुरू से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और वीनू के साथ तो हम खास तौर पे हैं ही हैं, वो हमारी है, धार्मिक प्रवृत्ति की औरत है और बहुत अच्छा रखती है सबके साथ, जहाँ भी जाओ सबको अच्छी इज्जत देती है वो लेडी है। वीनू के साथ जिंदा, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी जनता से यही अपील है कि मीनू सेठी को चेयरमैन पद पे भारी से भारी मतों से जितवाएं। एक युवा के हमारे साथ, जैसे क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी, आपका वोट है? हाँ जी है। पहली बार डालेंगे? अच्छा, वोट नहीं है, चलो वोट नहीं है फिर भी बात कर लेते हैं, तो माहौल कैसा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पापा को ऐसे देख के। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 19 तारीख को दोनों फूल के बटन पर दबाकर और बीजेपी को जितवाएं। आपके पापा चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, इसलिए मदद के लिए अपील कर रहे हो? हाँ जी। तो माहौल में जा रहे हो, जैसे वोट के लिए जा रहे हो अपील करने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं गई। प्रचार के लिए नहीं गई? फिर कैसे जीतेंगे? फिर कैसे जीतेंगे? कोई बात नहीं, ये सब जा रहे हैं। शंटी बुजेजा की 11 भाभियां हैं और बहने हैं, सब हम जा रहे हैं, गली हम मोहल्ला सब हमारे। बच्चों की जरूरत नहीं है? बच्चों की जरूरत? हाँ, बच्चों की जरूरत नहीं है, अभी छोटे हैं बच्चे, घर पे। तो आप क्या कहोगे, जैसे इस तरह के माहौल होता है, जैसे कि चुनाव के समय अलग अलग प्रचार के लिए आते हैं, बजते रहते हैं माइक में, इसी में पढ़ाई की डिस्टर्बेंस होती है? नहीं होती। अभी मेरी खुद की एग्जाम्स हुए, मैं खुद भी फ्री हूँ। अच्छा, खुद फ्री हो, तो प्रचार के लिए क्यों नहीं गए आप? मैं एक दो बार गई हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाती, थोड़ा। तो आपको लगता है कि इस बार की, जैसे आपने कहा कि आपके पापा चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जनता का आशीर्वाद पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, और मिलेगा।
मुझे, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो नहीं है वो करे, हमारा साथ दे और बीजेपी को जितवाए। अगर जीत जाएंगे तो क्या, जो सफाई अब गंदगी है जैसे कूड़ा करकट है सारा, बिल्कुल क्या होगा, ठीक होगा सब कुछ, कराएंगे ठीक, सफाई होगा। हाँ जी जी, आप कुछ कहेंगे? मीनू सेठी जीत जाए और मेरे हस्बैंड जीत जाए, मैं तो यही कहूँगी। बाकी और भी हैं बहुत सारे, 27 वार्ड सब, भगवान जी बीजेपी को जिताए, हम कहेंगे बीजेपी जीते, जिससे बीजेपी के पास टिकट है, जिसके पास भी वो जीतते। तो किस में वोट डाले? बीजेपी में। बीजेपी तो नहीं है, चुनाव निशान? चुनाव निशान कमल का फूल, भूल गए, फूल कमल का फूल खिलना चाहिए। कमल का फूल खिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से मतदान के लिए अपील कर रहे हैं और अलग अलग इलाकों में पहुंच के महिलाओं की टोली है, वोट की अपील कर रहे हैं, लोगों से बात कर रही है, वादे कर रही हैं, हमारे प्रत्याशी को वोट दें, अगर काम नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो हम आपके हक में खड़े होंगे, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात कर रहे हैं तो अभी फिलहाल जितनी महिलाओं की टोली लग रही है उस हिसाब से मीनू सेठी की हवा दिखाई दे रही है, क्योंकि दो ही दिन बीच में बचा है, उस हिसाब से महिलाएं अपने पसीने बहा के, पसीने की मेहनत करके और इसका रिजल्ट हासिल करने के पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी लगे रहेंगे, हम हमेशा से विनोद भ्याणा के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, शुरू से ही लगे हैं उनके साथ, हमारे बच्चे छोटे थे लगे थे और आगे भी हम लगे रहेंगे जब तक वो राजनीति में उनके साथ हैं।